और अग्निपथ योजना का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना देश विरोधी योजना है। ये योजना इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात है। ये योजना इस देश के नौजवानों के फ्यूचर से खिलवाड़ है। ये इसलिए है कि आप मुझे बताइए कि आप अस्थायी सेवा को घटा करके 4 साल क्यों करना चाहते हैं। एमपी बनता है 5 साल के लिए, विधायक बनता है 5 साल के लिए, मुखिया बनता है 5 साल के लिए, सेना का नौकरी 4 साल के लिए क्यों, 5 साल के लिए क्यों नहीं? ये सवाल आप सोचिए। 5 साल के लिए इसलिए नहीं कि इस देश में एक्ट बना हुआ है, ग्रेच्युटी एक्ट, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के हक के लिए कानून बने हुए हैं कि अगर आप 5 साल नौकरी करेंगे, 5 साल सेवा देंगे तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी। 4 साल ये अपने आप नहीं हो गया है तो 4 साल ही क्यों, 3 साल क्यों नहीं, 2 साल क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं, 10 साल क्यों नहीं, 4 साल ही क्यों है? 4 साल इसलिए है कि जो सुविधाएं हमारी आर्म फोर्सेस को दी जाती थी वो सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और आप याद कीजिए, जब सरकार के द्वारा घोषणा की गई तो उस घोषणा के बाद ये नहीं बताया गया कि आपको डीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको डीएम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कैंटीन की सुविधा मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे मजेदार बात, सरकार ने अपनी घोषणा में कहा कि हम 4 लोग को लेंगे, 1 को रखेंगे और 3 को वापस भेजेंगे। ये बताइए कि 1 को जो रखिएगा वो किस आधार पर रखिएगा और 3 को जो वापस भेजिएगा तो किस आधार पर भेजिएगा, उसका क्या आधार होगा? और जिसको आप रख लीजिएगा उसको तो नौकरी मिलेगी लेकिन पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को नहीं बताया जा रहा है। मेरा सिंपल सवाल है, अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, हमको इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर अध्यक्ष जी को पेंशन मिलता है तो सेना के पदाधिकारियों को और सेना के जवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर एमपी को मिलना चाहिए, अगर एमएलए को मिलना चाहिए, एमएलसी को मिलना चाहिए तो देश के सेवा में अपनी जान लगाने वाले नौजवानों को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल आप तमाम नौजवान सोचिए कि ये पूरी की पूरी जो योजना है उसमें जो फायदा गिनाया जा रहा है वो अपने आप में कितना खतरनाक है। फायदा गिनाते गिनाते एक जो भाजपा के नेता ने कहा कि अगर आप सेना की नौकरी करेंगे, अग्निवीर बनकर के आएंगे तो आप बढ़िया ड्राइवर बन सकते हैं, आप बढ़िया नाई बन सकते हैं, आप बढ़िया धोबी बन सकते हैं, एक भाजपा के नेता ने कहा। दूसरा जो है भाजपा का नेता वो तो और कमाल किया, वो तो बोला कि अगर हमको बीजेपी दफ्तर में चौकीदार का जरूरत पड़ेगा तो हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। ये जो परिस्थिति देश के अंदर बनाई जा रही है, इस परिस्थिति को हम तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि आज देश के भीतर जो नौजवानों की हालत है, जो बेरोजगारी का आलम है, उसके खिलाफ हमको खुलकर बोलने की जरूरत है। बेरोजगारी का जो सवाल है उसको जब आप गौर से देखेंगे तो ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए आप, रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ इस बिहार के नौजवान सड़कों पर उतर करके आए और जब नौजवानों ने विरोध किया तो रेल मंत्री आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उस योजना में परिवर्तन किया गया। मैं कहता हूं कि अपने हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ता है, अपने हक हकूक के लिए हमको लड़ना पड़ता है। और जहां तक लड़ने का सवाल है, इस बात को याद रखिएगा, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल करके जीती जा सकती है।
आप अगर अपने मुद्दों को जीतना चाहते हो तो याद कीजिए, किसानों ने अपने मुद्दों को 70-80 के रास्ते पे चल करके जीता था। देश में आज ऐसी परिस्थिति है कि ये जो भी योजना लेकर के आते हैं, किसान कानून लेकर के आए जो किसान विरोधी है, अग्निपथ योजना लेकर के आए जो नौजवान विरोधी है।